أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से उस्तादुल कुर्रा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना हैदर मेदी करीमी साहब क़िबला तिलावत कलाम पाक से उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और ज़ाहिर है कि इस सेमिनार का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। मोमिनीन के लिए बावर कराना चाहूँगा कि उस्तादुल कुर्रा मौलाना हैदर मेदी करीमी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने तिलावत के ज़रिए से आगाज़ भी किया प्रोग्राम का। उस्तादुल कुर्रा इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि जामतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया के जिसकी जानिब से पूरी दुनिया में तकरीबन हर एक मुल्क में जो उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है और तकरीबन तमाम तर ममालिक में उनकी शाखें भी मौजूद हैं, तो जो हिंदुस्तान में जामतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया की जो कारकर्दगियां हैं उसमें कुरान का दर्स भी बच्चों को दिया जाता है और कारियान कुरान को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग बिलफेल मौलाना हैदर मेदी करीमी साहब क़िबला के ज़ेर सरपरस्ती में होती है और आप बच्चों को तालीम कुरान भी देते हैं, तजवीद से आशना भी करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं और मंच में बैठे हुए दीगर उलमाए किराम का भी इस्तकबाल करते हैं और जलसे में आए हुए सेमिनार में आए हुए तमाम मोमिनीन किराम का हम इस्तकबाल करते हैं। हज़रात, यकीनन इस जश्न को यादगार बनाना है और बनाना भी चाहिए। 14 साल जश्न है, 1400 साल पूरे हो रहे हैं हमारे चौथे इमाम की विलादत को। हो सकता है कोई ऐसा बुज़ुर्ग भी जहान में मौजूद हो कि जिसने 1300 साल जश्न देखा हो। हो सकता है कि अगर परवरदिगार किसी की उम्र दराज कर दे तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 1500 साल जश्न भी इमाम की विलादत का मुनक़िद करेगा, बरगुजार करेगा, शिरकत करेगा। लेकिन ये 1400 साल जश्न है, 1400 साल जश्न है, जो अकीदत हमारी 14 की आदत से है, ना वो 13 की आदत से है और ना 15 की आदत से है। इसलिए
ये 14 की अदद बाबरकत अदद है और 1400 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है और यकीनन इसे यादगार बनाना है। आज की इस नशिस्त में जो जिसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है, इसमें मकालेजात पेश किए जाएंगे, उलमा की तकारीर रहेंगी और बच्चों के अमली मसाइल का एक नमूना भी मुकालमे की शक्ल में पेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने बयान किया, अल उस्वा इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ खदमात हैं जो अंजाम दी जा रही हैं। मकातिब भी हैं जो बच्चों के यहाँ पे लगाए जाते हैं, उन मकातिब में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुकालमे पेश करेंगे, और जो जामतुल मुस्तफ़ा अली मामिया के नाम से जो बरादरान का मदरसा है, उसमें हमारे वो होनहार तुल्लाबे किराम हैं और ऐसे के जो ज़ाकिरीन भी हैं, खुतबा भी हैं, वाइज भी हैं, अइमा जमात भी हैं और अइमा जुमुआ भी हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं जानते बल्कि वो साथ साथ लिखने का हुनर भी जानते हैं। और इस मुबारक मौके पर एक खुशखबरी मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। अहले बैत काउंसिल की जानिब से इसी मुनासिबत के मद्देनज़र एक तहरीरी मुकाबला और मुसाबका मकाले का मुनक़िद किया जा रहा है कि जिसमें तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम मदारिस में मौजूआत तकसीम किए गए हैं कि जहां हर मदरसे से बच्चों को मकाला लिखने की तरगीब दिलाई गई और उस पर उन्हें आमादा किया गया। जामतुल मुस्तफ़ा अली मामिया जो आपके सीतापुर का मदरसा है, अल उस्वा इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, इस मदरसे से भी बच्चों ने मकाले लिखे हैं। 3 बच्चों ने मकाले लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों मकाले वहाँ कबूल भी किए गए हैं। लिहाजा वो मकाले, चूँकि मकाला एक तवील होता है, उसकी बनिस्बत मज़मून मुख्तसर होता है, तो पूरा मकाला तो नहीं, लेकिन हाँ उस मकाले का सरसरी तौर पर जायज़ा और उसका कुल्ली तौर पर मफहूम ज़रूर आपके सामने हम यहाँ उन्हीं बच्चों के ज़रिए से पेश करवाएंगे जो सामने बैठे हुए हैं। हज़रात तौहीद अरकान दीन में से है, बाज़ ज़ाहिर बीन हज़रात की निगाहों ने देखा तो ये नज़रिया दिया कि साहब ये ज़मीन गुस्तरदा है, ये ज़मीन मुंतशिर है, ये ज़मीन अलग है, आसमान अलग है और ज़मीन व आसमान के दरमियान ये लाखों मील के फासले ये अलग दिखाई देते हैं, ये सहराओं में ज़र्रात अलग हैं, ये ज़मीनों पे पहाड़ियाँ अलग हैं, ये दरियाओं में रवानियाँ अलग हैं और ये गुलिस्तानों में गुलदस्ते अलग हैं और गुलशन में गुंचा और गुल ये अलग पाए जाते हैं, आसमानों में चांद की दुनिया अलग है, सूरज का आलम अलग है, सितारे अलग हैं, कहकशाएँ अलग हैं, ये सब के सब अलग हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सारे निज़ाम जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे ये अलग नहीं हैं बल्कि एक ही निज़ाम से मुर्तबित होते हुए नज़र आएंगे। ये निज़ाम बज़ाहिर तो अलग अलग हैं लेकिन एक ही निज़ाम से मुर्तबित आपको ये नज़र आएंगे कि जहाँ चाँद का उरूज व ज़वाल दरिया के पानी में मद्दो जज़्र पैदा कर देता है, वहीं दरख्त से ज़मीन की तरफ गिरने वाला एक सेब नज़रिया एक कशिश का इंकशाफ भी कर देता है। लिहाजा आप देखें ये सारा का सारा निज़ाम एक ही निज़ाम वहदत में पाया जाता है, लिहाजा जो इस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है और ये एक निज़ाम से मुर्तबित होना इस बात की जिंदा जावेद दलील है कि इनका खालिक भी एक ही है जिसे वहदहुला शरीक कहा जाता है। लिहाजा मैं बात को ख़त्म करते हुए और अगले मकाला खां को बुलाने के लिए बस 4 मिसरे पेश करूँगा। वो खुदा वो है कि जिसके नाम से इस नशिस्त का आगाज़ किया जा चुका है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नास करता हूँ और फ़कत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। आइए अब इन्हीं 4 मिसरों के साए में मैं बुलाना चाहूँगा जामतुल मुस्तफ़ा अल इमामिया के तालिब इल्म मौलवी सकलैन हैदर सल्लमों को आए वो माइक पर और अपने मकाले का जायज़ा सरसरी जायज़ा पेश फरमाएं। आपके इस्तकबाल के लिए एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
حمدن و شکرن للہ و سلامن و صلاتن علی محمد خیر البشر و آلہ الخداد۔ تمام تعریفیں اور شکر خدا کے لیے کہ جو محمد مصطفیٰ کے خلق کرنے والا ہے، اور ان کے پاک اہل بیت جو ہدایت کے راستے میں اجاگر کرنے والے چراغ ہیں۔ میرے اس مقالے کا موضوع دربار شام میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے رموز و اسرار ہے۔ میرے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ان خطبات کی روشنی میں فضائل اہل بیت کو کن انداز و اسلوب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ان کے مطالعے سے مومنین کے اذہان و قلوب کو جھلا ملتی ہے۔ اس لیے کہ ہم ابھی تک کربلا کو صرف مصائب کی غرض سے پڑھتے آئے ہیں، اور کربلا صرف اہل بیت کے مصائب کا نام نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے فضائل و کمالات کا نام بھی ہے۔ اور میرے اس موضوع کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یزید جو اسلام کی نقاب اوڑھے ہوئے ظلم و بربریت، دہشت و وحشت، سود خوری کا سہارا لے کر حکومت کر رہا تھا، اس کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آ جائے اور تاریخ اسلام کی انقلابی تحریک کا صحیح معنی مفہوم لوگوں تک پہنچ جائے۔ اگرچہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ ہے جس کے ضمن میں کئی جلد کتابیں مرتب ہو سکتی ہیں، تب بھی ہر پہلو پر نظر ڈالنا محال ہے، لیکن اس حقیقت نے کچھ اہم نکات اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ 15 جمادی الاولی سن 38 ہجری کا وہ مبارک دن جب مدینہ کی گلیوں میں باران رحمت ہو رہی تھی، اس مقدس وقت میں محافظ دین و شریعت، چراغ خاندان رسالت، جمال نور کرامت، عبادتوں کی زینت، سجدوں کی ضیاء، فضیلتوں کا مرقع، راز و نیاز الہی کا سرچشمہ، عدیہ و فرامین کا محور و مرکز، یعنی ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جو رسالت کے وفات کے 27 سال بعد آ حضرت کے جانشین بن کر خانہ بتول بنت رسول میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم سید الشہداء، سید القرما، کشتی نجات حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے، آپ کی والدہ محترمہ جناب شاہ زنان شہر بانو تھیں، آپ اپنے آبا و اجداد ہی کی طرح امام معصوم اور عالم زمانہ تھے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ علم، زہد، عبادت میں اپنے آبا و اجداد کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ نے ایسے خانواده میں آنکھ کھولی جس میں مسلسل آیات قرآنی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ آپ کے جد رسول اسلام پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے، جن کے لیے قرآن آواز دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور علم کا یہ عالم ہے کہ دادا علم لدنی کے مالک ہیں، آپ کی پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ نے ایسے معزز خانواده میں آنکھ کھولی کہ جس کی کنیز نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کی، اور آپ نے شام کی حکومت دیکھی اور وہ حاکمانہ ماحول دیکھا۔ اس کے بعد جب 67 ہجری میں ریسمان حکومت ایسے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی کہ جس نے حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال قرار دیا، بندروں سے کھیلنے والا، شراب نوشی پر فخر کرنے والا، جس کے لیے ناچ گانا عام بات تھی، اس ظالم و جابر حاکم نے جب اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی پشت پناہی کی، جس کے عوض میں حسین نے مدینہ کو الوداع کہا، اور اس حاکم نے اپنی فوج بھیج کر آپ کو بے آب و گیا صحرا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اس کے بعد امامت کی ساری ذمہ داری امام سید سجاد علیہ السلام پر آ گئی، اور جب ایک بیمار و ناتواں امام کو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑ کر شام و کوفہ کی گلیوں میں رسوا کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا، جب یہ قافلہ شام پہنچا تو یزید ملعون کے حکم کے مطابق قافلہ شام کے باہر روکا گیا۔ لوٹا ہوا قافلہ 3 دن تک شہر کے باہر روکا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق دربار میں شیشے سجائے جا رہے تھے، کرسیاں نصب کی جا رہی تھیں، دربار کو ایسے سجایا گیا کہ جیسے خوشبری محفلوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔
यजीद ने हुकूमत अमवी की लाज रखने के लिए हुक्म दिया कि दरबार को खूब सजाया जाए, शहर के लोगों को इतनी शराब पिलाई जाए कि उनमें हक और बातिल की तमीज़ न रहे, लोगों में माल और ज़र तकसीम किए जाएँ, कैदियों के रास्ते रोक कर रास्ते को सजाया जाए और अहले बैत रसूल को रस्सियों में जकड़ कर इस तरीके से लाया जाए ताकि उनकी तौहीन हो सके, अजियत का कोई तरीका छोड़ा ना जाए, फतह के नक्कारे बजाए जाएँ, सुर्ख परचम लहराए जाएँ और जब तक दरबार सज ना जाए बाहर से उमायदीन व अकाबरीन कुर्सियों पर न बैठ जाएँ, असीरों को धूप में खड़ा रखा जाए ताकि उनके अंदर जो कुव्वत गोयाई और हौसलों में ज़िंदगी बाकी है वो ख़त्म हो जाए। 3 दिन तक काफिला शाम के बाहर रोकने की दो वजह मिलती हैं। पहली वजह यह है कि दरबार सजाया जा रहा था और दूसरी वजह जुमे के दिन का इंतज़ार था, इसलिए कि उस दिन लोग नए नए ज़रकोबर लिबास और सफ़ेद पोश देवतन करके दूर दराज के इलाकों से हाकिम शाम के पीछे नमाज़ पढ़ने आते थे और यजीद को मालूम था कि मुसलमान पूरे हफ्ते किसी दिन नमाज़ पढ़े ना पढ़े मगर जुमे के दिन ज़रूर पढ़ता है, लिहाजा यजीद का इंतज़ार था जम्मे गफीर का, इतने बड़े मजमे का कि जिसमें अहले बैत की तौहीन की जा सके। जब ये काफिला शाम के अंदर दाखिल हुआ बालाए बाम पर औरतों और बच्चों का हजूम उमड़ा पड़ा है और लोगों का हजूम इस कदर बढ़ गया था कि दरबार यजीद में पहुँचने में काफिले को काफ़ी वक्त लग गया। लोग कैदियों पर पत्थर बरसा रहे थे, आग भी फेंक रहे थे। इसी आलम में जब यह काफिला दरबार में दाखिल हुआ पूरा दरबार भरा हुआ था, 700 कुर्सी नशीन बड़े बड़े वज़रा और सुफरा मौजूद थे, पूरा दरबार हुसैन और अहले हुसैन को बागी कह रहा था और यजीद शराब के नशे में चूर होकर अपने तख्त पर बैठा हुआ था। एक मरतबा यजीद कैदियों की तरफ मुतवज्जे हुआ जहां पर अली की शेरदिल बेटी को दूसरी बीवियों ने अपने हलके में लिए हुए थीं। साहिब लहूफ सैयद इब्ने ताउस ने लिखा है कि यजीद ने निगाहें उठाई और पूछा, ये खातून कौन है जो दूसरी औरतों के हलके में खड़ी हुई है? ये तो किसी ने जवाब दिया कि ये ज़ैनब बिनते अली है। तो यजीद ने कहा, ऐ अली की बेटी बता तेरे साथ खुदा ने क्या किया? उस वक्त चेहरे ज़ैनब पर जलाल हैदरी नमूदार हुआ। उस मजलूमा ने वो यादगार खुतबा फरमाया कि जिसने सिर्फ दरबार ही को नहीं बल्कि पूरे दमिश्क को हिला डाला। आपके सामने मैं जनाब ज़ैनब का पूरा खुतबा बयान नहीं करूँगा, बस चंद फिक्रे जनाब ज़ैनब के खुतबे के मुलाहिज़ा हो कि जनाब ज़ैनब ने फरमाया, वला तहसबन अल्लज़ीन कफरू मौजज़ीन फिल अर्ज़ वमा हुम मुन्नार वलबिसल मसीर, सूरह नूर आयत नंबर 57। यजीद खबरदार ये ख्याल न करना कि कुफ्र अख्तियार करने वाले ज़मीन पर हमको आजिज़ कर देने वाले हैं, उनका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम है और ये एक बदतरीन अंजाम है। फिर फरमाया, यजीद तेरा गुमान है कि तूने ज़मीन व आसमान हम पर तंग कर दिया, उन लोगों से और क्या उम्मीद हो सकती है कि जिन्होंने पाक बाज़ों का जिगर चबाया हो, शहदाए राहे इलाही का खून जिनकी ग़िज़ा हो, मेरे जद्द अमजद हमजा के गोश्त के रेशे तुम्हारे दांत में फंसे होंगे और तू अपने आबा व अजदाद को क्यों याद करता है? अनकरीब तू भी उनके पास जाने वाला है, तू मोमिनीन की गर्दनों पर मुसल्लक न रह सकेगा, जल्द ही तुझे मालूम हो जाएगा कि जालिमों की सज़ा क्या है। अगरचे मैं एक मुसीबत ज़दा कैदी हूँ लेकिन तुझे इस कदर हकीर व ज़लील समझती हूँ कि तुझे नसीहत भी नहीं करना चाहती, और तू जो कर सके वो कर, जुल्म कर जितना तुझसे हो सके, बखुदा तू हमारे जिक्र को न मिटा सकता है और न ही हमारी शरीयत को ज़ाय कर सकता है, न हमारी अबदी अजमत को ख़त्म कर सकता है और तू तौके लानत को अपने गले से कभी उतार न सकेगा। खुदा का शुक्र है कि नेकी और शराफत हमारी इब्तदा और रहमत और शहादत हमारा अंजाम है। उधर जनाब ज़ैनब ने खुतबा ख़त्म किया, एक बार फिर बाजार कूफा का वह मंजर तारीख की निगाहों में झलकने लगा। ज़ैनब खामोश हो गई। रसूल के एक सहाबा अबू बरज़ा असलमी खड़े हुए और कहा, यजीद तू जिस सर की बेहुरमती कर रहा है वह हुसैन इब्ने अली का सर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूल को इस चेहरे मुबारक का बोसा लेते हुए और तू नापाक ज़ात इस सर से छेड़खानी कर रहा है। इतना सुनना था कि यजीद ने उस सहाबी का सर कलम करवा दिया। लोगों में यजीद के खिलाफ बगावत का बाजार गर्म होने लगा। शराब के नशे में चूर यजीद जो जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने अपने दरबारी खतीब को मिंबर पर भेजा और जब वो खतीब मिंबर पर आया तो उसने हसब दस्तूर मौलाए मुत्तकियान पर सब्बो सितम शुरू कर दिए मगर ज़ैनब कुबरा के खुतबे की गूंज
ऐसी थी कि खतीब नाकाम होकर मिंबर से उतर आया और एक बार जंजीरों की झनकार के साथ सैयद सज्जाद यजीद से मुखातब होकर कहते हैं, यजीद मुझे इजाज़त दे कि मैं इन लकड़ियों के अंबार पर जाकर कुछ बयान कर सकूं। मगर यजीद ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन मजमे का इशार बढ़ता गया कि हम इस मजलूम बाप के मजलूम बेटे की गुफ्तगू ज़रूर सुनेंगे। आखिरकार यजीद ने इजाज़त दे दी। सैयद सज्जाद अपने हाथों में जंजीरों को संभाले हुए मिंबर पर खड़े हो गए, जहाँ पर उम्मुल मसाहब का बनाया हुआ माहौल अहले दरबारियों को कैदी बनाए हुए था। सबसे पहले तो ये वाजे कर दूँ कि इमाम ने उस मिंबर को लकड़ियों का अंबार क्यों कहा, इसलिए कि ये वारिस खतीब मिंबर सलूनी थे, मौके की नज़ाकत से बाखूबी तौर पर वाकिफ़ थे। आपको इस बात का बखूबी इल्म था कि किस तरीके से मजमे को काबू में करना है, और मजमा भी ऐसा जहां पर 700 कुर्सी नशीन हैं, जिनमें वज़राए ममलकत, खुतबाए बेनज़ीर, शोराए बेमिसाल, रियासत यजीद के हुक्मरान, उलमाए यहूद नसारा और ईसाइयों के माहिर तरीन आलिम दीन मौजूद थे, और वो भी ऐसे लोग जो यजीद के हाथों बिके हुए हों। तो इमाम ने मौके की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए उस मिंबर के लकड़ियों का ढेर बताया और सारे लोग घबरा कर देखने लगे कि आखिर ये कैसा कैदी है कि जिस मिंबर पर हाकिम शाम खुतबा देता है उस मिंबर को लकड़ियों का ढेर बता रहा है। फिर इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने अपने खुतबे का आगाज़ किया, कहा, अय्युहन नास, ऐसी खामोशी छा गई जैसे लोगों ने सांसें रोक ली हो। सैयद सज्जाद की आवाज़ गूंज रही थी। इमाम ने फरमाया, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मक्का और मीना का फर्जंद हूँ, मैं जमजम और सफ़ा का लाल हूँ, मैं हिल्लो हरम का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा जहरा का फर्जंद हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ, मैं उस इमाम का बेटा हूँ कि जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया, मैं उसका बेटा हूँ कि जिस पर तारीकी में जिन्नात रोए, मैं उसका बेटा हूँ कि जिस पर फिजा में परिंदों ने नौहा किया, मैं बेटा हूँ उस हुसैन का कि जिसके जिस्म पर 1900 जख्म थे, मैं उस मजलूम का बेटा हूँ कि जिसके अहले अहरम को बेरदा कर दिया गया। अभी उस मजलूम का खुतबा तमाम न होने पाया था कि उस खुतबे का असर होने लगा। जो लोग यजीद के सिपाहियों को शाबाशी देने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे और कुछ हाकिम शाम के पीछे नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए हुए थे, उन्होंने जब उस मजलूम के खुतबे को सुना और उनके ऊपर होने वाले जुल्म को सुना, तो जो लोग ईद के दिन की तरह खुशियाँ मनाने में मशगूल थे, नए नए लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, जहाँ एक खुशी का माहौल था। जैसे ही वारिस नहजुल बलागा ने खुतबे का आगाज़ किया, अभी चंद कलमात गुजरे थे कि जो लोग खुशी में झूम रहे थे उनके चेहरे का रंग मुतगयर होने लगा, जिनकी आँखों में खुशियाँ झलक रही थीं वो चीख मार कर रोने लगे, जो नए नए लिबास ज़ेब-ए-तन करके आए थे वो अपने गरीबान को चाक करने लगे, और दरबार शाम में गिरिया बका की आवाज़ गूंज रही थी। अभी तक जो मजमा कारवाने हक का मुखालिफ था वो अहले बैत रसूल को बागी के लकब से याद कर रहा था, अब वो लोग कारवाने हक के मुखालिफ नहीं रहे बल्कि मुआफिक हो गए और नामोसे रसालत की इज्जत कर रहे थे। अभी तक यजीद के दरबार में ऐलान कर रहा था कि कोई रसूल नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, लेकिन इमाम ने जब खुतबा दिया तो उस खुतबे का असर यह हुआ कि जो मुनकर रसालत वही था अब वो इकरार रसालत वही करने लगा। इस बात की दलील यह है कि खुद यजीद ने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि वो जाकर गुलदस्ते अजान पर अजान कहे, और जब मुअज्जिन अजान कहने के लिए गुलदस्ते अजान पर आया, मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने कहा बेशक वो सबसे बड़ा है, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक उस माबूद हकीकी के अलावा कोई खुदाए अजीम नहीं है, फिर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर मेरा इमाम मुअज्जिन से कहता है कि जिसका तूने अभी नाम लिया है उस जात का वास्ता, कुछ वक्त के लिए साकित हो जा। मुअज्जिन खामोश हो गया, फिर मेरा मौला यजीद की तरफ मुखातब होकर कहता है कि ऐ यजीद बताइए तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है, अगर तू ये कहता है कि ये तेरे जद है तो तू झूठा है और तू काफिर है, लेकिन अगर तू ये कहता है कि ये मेरे जद है तो फिर तूने उनके नवासे को क्यों कत्ल किया, उनके अहले हरम को क्यों रुसवा किया। इतना कहना था कि मेरा मौला खामोश हो गया, लेकिन अब मेरे मौला के खुतबे का असर हुआ कि लोग अपना सर दीवार से टकराने लगे, अपना गरीबान चाक करने लगे, अपना सरो सीना पीटने लगे, पूरा दरबार यजीद की मुखालफत करने लगा, और ये नज़ारा देखकर यजीद बहुत ही ज़्यादा खायफ हो गया कि कहीं कोई फितना न खड़ा हो जाए। उसने उस शख्स से कहा कि जिसने इमाम को मिंबर पर तशरीफ जाने के लिए कहा था, यजीद ने कहा कि तेरा बुरा हो, तू उनको मिंबर पर बैठाकर मेरी सल्तनत को ख़त्म करवाना चाहता है। उसने जवाब में कहा बखुदा मुझे पता न था कि इतनी फसीह हो बुलंद गुफ्तगू करेंगे। यजीद ने कहा क्या तू नहीं जानता कि यह अहले बैत नबूवत और मादर रसालत की एक फ़र्द है। यह सुनकर मुअज्जिन से रहा न गया, उसने कहा ए यजीद इज़ा कान कज़ालिक,
فلما قتلت اباہو، اے یزید جب تو یہ جانتا تھا تو تو نے ان کے باپ کو کیوں قتل کیا؟ مؤذن کی بات سن کر برہم ہو گیا اور اس نے مؤذن کی گردن مار دینے کا حکم دیا، کیونکہ امام نے ایسے مؤثر طریقے سے مقاصد واضح و پند بیان فرمائے کہ سنگ دلوں کے دل بھی موم کی طرح پگھلنے لگے، اور امام کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ پورے دربار یزید کی مخالفت کرنے لگا۔ لوگ یزید سے پوچھنے لگے کہ آخر تو نے امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ مگر یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ محل کے اندر یہ کہتا ہوا چلا گیا، لا حاجت لی بالصلاۃ، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید یزید کو معلوم نہ تھا کہ نماز کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو معلوم ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر اسے بچانے والے کون ہیں، اور جس حسین کو تو باغی کہہ رہا ہے اس نے اپنا سر دے کر نماز کی اہمیت کو قائم و دائم رکھا۔ اور یہ امام بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے میرے بابا نے آج نماز کی آبرو رکھ لی، کل اگر کوئی حسینی نماز کے خلاف بھی کسی طرح کا کوئی پروپیگنڈا برداشت نہیں کرے گا۔ آج اس جمع غفیر میں یزید بے نقاب ہو گیا، اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھل گئی۔ جیسا کہ ابو اسحاق کی روایت ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر سر سیٹنا پیٹتے رہے، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدایں بلند ہوتی رہیں۔ شام کی عورتیں رو رو کر سیدانیوں کی کلائیوں سے رسیاں کھول رہی تھیں، اور اب یزید کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ امام کے خطبے کا اثر یہ تھا کہ بقول شہید اعظم، یزید نے خود سید سجاد کی توق اور بیڑیاں کٹوائیں۔ سب لوگ امام کے ہمدرد بن گئے۔ ابھی تک جس جگہ محفل کا نظارہ تھا، خوشی کا ماحول تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ جب امام نے خطبہ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جگہ ماتم قدے میں بدل گئی، لوگ آہو بکا کرنے لگے، لوگ اپنا سر و سینہ پیٹنے لگے۔ اور یزید اب تک منکر کتاب و رسالت تھا، اس نے اذان کا حکم دے کر رسالت کا بھی اقرار کیا اور کتاب کا بھی اقرار کیا۔ اور چونکہ یزید اپنی واہواہی کے لیے، اہل بیت کی رسوائی کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ اہل بیت کی مخالفت کریں گے، مگر مشیت الہی یہ تھی کہ جمعے کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس مظلوم کے خطبے سے جو لوگ حسین ابن علی کے ناواقف تھے وہ واقف ہو گئے، اور سارے لوگ یزید کے مخالف ہو گئے۔ اور امام کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ خود یزید کے بیٹے نے اپنی اس حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ مسٹر ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ میں یزید کے مرتے ہی معاویہ بن یزید کی بیعت شام میں عبداللہ ابن زبیر کی ہو گئی اور عراق میں خلیفہ بن گیا۔ معاویہ ابن وزیر صالح تھا، وہ خاندان کی خطاؤں اور برائیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور علی اور اولاد علی کو خلافت کا مستحق سمجھتا تھا۔ میری ان ساری باتوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی تاریخ میں سید الساجدین اس عظیم کردار کا نام ہے کہ جس کا نظیر نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ امام نے جس طرح غم و درد کے توقع گراں قدر کے ساتھ انسانی دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر کے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور سیاسی حکومت کے سیاسی منصوبوں کو جس طرح خاک میں ملا دیا، وہ حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ حق و صداقت کا ایک ناقابل انکار معجزہ ہے۔ آپ کی جلالت اور علم و عرفان کے سامنے حکومت کے کریہ چہرے پر خلافت کے نقاب نہ رہ سکی۔ آپ کے فصیح و بلیغ اور بے باک خطبوں نے دست سیاست کے گڑے ہوئے نظام کی دھجیاں اڑا دیں، اور یزید کے پس منظر میں اس نظام کی خلافت کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا، جس کی بدولت یزید جیسا انسانی اقتدار سے محروم شخص بڑی آسانی سے مسجد خلافت پر براجمان ہو گیا تھا۔ خطبہ سجاد نے ملوکیت کے چہرے سے خلافت پیغمبر کی نقاب کھینچ کر مسلمانوں کو دل و دماغ میں سچائی اتار دی کہ حکم خدا معلوم کرنے کا ذریعہ صرف خدا اور سنت رسول، ان مسائل تک پہنچنے کا ذریعہ علم ہے، خلافت نہیں۔ شریعت اسلام خلافت کے سکنجے سے نکل کر آزادی کی سانسیں لینے لگی، باب خلافت سند اور اجتہاد کا درجہ کھل گیا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں اور ثبوت دیں کہ آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں گئے۔ بہت اچھا مقالہ پیش کر رہے تھے مولوی ثقلین حیدر سلمہ، اور یہ یقیناً آپ نے دیکھا وہ مقالہ ہے جو قبول کر لیا گیا ہے مسابقے کے لیے، جو مسابقہ منعقد ہوگا اہل بیت کونسل کی جانب سے، اور جو تین مقالے قبول ہوئے ان میں سے ایک مقالہ وہ تھا کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر ہی صحیح، ظاہر ہے زیادہ وقت نہیں ہے، چونکہ مقالہ مضمون کی بنسبت طویل ہوتا ہے، اس لیے اسے پڑھنا اور پھر سمیٹنا یقیناً یہ ایک مشکل امر تھا جو بحسن خوبی انجام دے رہے تھے مولوی ثقلین حیدر سلمہ۔ آپ نے دیکھا کہ مقالہ پڑھ رہے تھے لیکن اس میں بھی خطابت کا لہجہ تھا، ذاکری کا انداز پایا جاتا تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ طلاب ذوی الاحترام جو آپ کے سامنے صدر جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ اچھے خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور اپنی قلم کی
रवानी को पेश करके गौहरे आबदार को रकम करने वाले दानिश्वर भी यही हैं। यकीनन हज़रात, यह हमारी खुशबख्ती है कि मंच पर यकीनन वो अफराद बैठे हुए हैं जिनका तारुफ कराना मैं ज़रूरी तो नहीं समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो हस्तियाँ हैं जिनके नाम से भी आप वाकिफ़ हैं, जिनकी शख्सियतों से भी वाकिफ़ हैं। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना एजाज़ मेहदी साहब क़िबला, उस्ताद जामिया अबू तालिब मंच पे तशरीफ़ फरमा हैं, और उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना साबिर अली इमरानी साहब क़िबला भी मंच पे मौजूद हैं, और सरबराह इदारा अलुस्वा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हमीदुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला भी मौजूद हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, और सरजमीन राजस्थान पर वाक़े तारा गढ़ जैसी संगलाख वादी में आँख खोलने के बावजूद अपनी गुफ्तगू से पेचीदा बातों को गुले गुलजार बनाकर सामईन तक पहुँचाने वाले गुलजार खिताबत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद गुलजार हुसैन जाफरी साहब क़िबला भी मंच पे मौजूद हैं। और यह हमारी यकीनन खुशनसीबी है कि सरजमीन सीतापुर पर इफ्तिताह होने वाले मदरसे जामियातुल मुस्तफ़ा अल इमामिया के मुदीर भी हैं और यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी खुशबख्ती हमारी और खुशकिस्मती है। उस्तादुल कुर्रा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हैदर मेदी करीमी साहब भी स्टेज पे मौजूद हैं। सरजमीन तहजीब व अदब से तशरीफ़ लाए हुए आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद दानी ज़ैदी साहब क़िबला भी मौजूद हैं, और बाबे मदीनतुल इल्म की दहलीस पर जबा रसाई के बाद, तहसील इल्म के बाद हमारी बस्ती में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में तबलीग के लिए आए हुए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद साकिब रज़ा नकवी साहब क़िबला भी मंच पे मौजूद हैं। हम सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, और जलसे में आए हुए मोमिनीन का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब मौलाना साबिर अली इमरानी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और एक नज़्म पेश करें, चूँकि वो अभी हमारा माहौल नहीं है और हम मानूस भी नहीं हैं वो मकाला खानी से, चूँकि मकाला खानी वो होती है जिसमें जो मकाला खां होता है वो देख कर पढ़ता है, जो उसने तहरीर लिखी है उसका पाबंद होता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है और वो वही पढ़ता है जो उसने हवाले जात लिखे हैं और जिन किताबों से लिखा है। लेकिन तकरीर करने के लिए हम आते हैं और फिलबदी बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी तबीयत अभी मानूस नहीं है मकाला खानी से। तो मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयतों पर जो गिरा गुजर रहा है उसको कुछ हद तक दूर करने के लिए मैं खुश लहन शायर और जो आलिम भी हैं, खतीब भी हैं, जाकिर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो लिखते हैं उसे अपने मुनफरिद लबो लहजे और खुश इल्हानी से पेश करते हैं। मेरी मुराद है उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना सैयद साबिर अली इमरानी साहब के वो माइक पर आएँ, और यकीनन माइक पर आएँ और मंजूम नजराने अकीदत पेश करवाएँ। चार मिसरे शेर अभी हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद एक कसीदा आपकी खिदमत पेश करूँगा कि अहले ईमानो विला का दिल बहुत ही शाद है, अहले ईमानो विला का दिल बहुत ही शाद है, आज किस के जिक्र से कज़ियारा ये आबाद है, आज किस के जिक्र से कज़ियारा ये आबाद है। शेर देखें, हर तरफ है नूर का आलम जिधर भी देखिए, हर तरफ है नूर का आलम जिधर भी देखिए, 1400 साल ये जश्न सैयद सज्जाद है,
1400 साल ये जश्न सैयद सज्जाद है। बतौर खास देखें, नस्ल इब्ने हिंद का मिलता नहीं कुछ भी पता, नस्ल इब्ने हिंद का मिलता नहीं कुछ भी पता, खानदान फातिमा जहरा मगर आबाद है, खानदान फातिमा नस्ल इब्ने हिंद का मिलता नहीं कुछ भी पता, खानदान फातिमा जहरा मगर आबाद है। शेर देखें, बर्क की सूरत गिरी थी जो उदू के कल्ब पर, बर्क की सूरत गिरी थी जो उदू के कल्ब पर, तेरे लहजे की गरज तारीख को भी याद है, तेरे लहजे की गरज तारीख को भी याद है, हर तरफ है नूर का आलम जिधर भी देखिए, 1400 साल ये जश्न सैयद सज्जाद है, 1400 साल ये जश्न। सलावत अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कसीदा इमाम की खिदमत में, मतला और चंद शेर देखें, बिल्कुल नया कलाम है दोनों कलाम ही। आज है फिर मेरे होंठों पर कसीदा तेरा, आज है फिर मेरे होंठों पर कसीदा तेरा, ये भी एक फैज करम है मेरे आका तेरा, आज है फिर मेरे होंठों पा। ऐसे देखें, पिसरे इब्ने अली तुझ पा अजम को भी है नाज, पिसरे इब्ने अली, पिसरे इब्ने अली तुझ पाजम को भी है नाज, शिश जहत में ना हो क्यों आज भी जलवा तेरा, ये भी एक फैज़ करम है। सैफ़े कामला के हवाले से शेर देखें, कैफ़ो सरमस्ती ये इरफान में वो डूब गया, कैफ़ो सरमस्ती ये इरफान में वो डूब गया, दिल की आंखों से पढ़ा जिसने सहीफा तेरा, दिल की आंखों से पढ़ा जिसने सहीफा तेरा, उसके हर लफ्ज से एक सैल मानी है रवा,
अहले इल्म व अदब मौजूद हैं माशाल्लाह, यहाँ पर पूरी बस्ती में इस वक्त इल्म का चर्चा है मुख्तलिफ उनवान से। शेर देखें कि उसके इसके हर लफ्ज से एक सैल मानी है रवां, ये सहीफा है कि है इल्म का दरिया तेरा, ये सहीफा है कि है इल्म का दरिया तेरा, लालो याकूत तो जमरुद से तकाबुल क्या हो। शेर देखें, लालो याकूत तो जमरुद से तकाबुल क्या हो, इसके हर लफ्ज में है जलवाए जेबा तेरा, इसके हर लफ्ज में है जलवाए। और इसे देखें, चुन लिए जिसने तेरे खाने करम के रेजे, चुन लिए जिसने तेरे खाने करम के रेजे, हो के दुश्मन भी वो पढ़ने लगा कलमा तेरा, हो के दुश्मन भी वो पढ़ने लगा कलमा तेरा। इसे देखें, क्यों न हर अहले खिरद तुझको कहे ज़ैने इबाद, क्यों न हर अहले खिरद तुझको कहे ज़ैने इबाद, अपने खालिक से जो मजबूत है रिश्ता तेरा, अपने खालिक से जो मजबूत है। ये शेर देखें, अपने दादा से मुमासिल है तेरा तर्ज़े हयात, अपने दादा से मुमासिल है तेरा तर्ज़े हयात, वो इबादत वो सखावत वो सरापा तेरा, वो इबादत वो सखावत। आखिरी दो शेर मुलाहज़ा फरमा लीजिए, किश्त अब्दियत तो माबूद पा मिसले बारां, ये लफ्ज साहिब इल्म में सब समझते हैं, किश्त माबूद, किश्त अब्दियत तो माबूद पा मिसले बारां, फैज पहुंचाता है अंदाज दुआ का तेरा, फैज पहुंचाता है अंदाज। आखिरी शेर मुलाज़िम मौला जी शायद किसे लायक हो, मिट गया दहर से दुश्मन का तेरे नाम निशान, मिट गया दहर से दुश्मन का तेरे नाम निशान, हर तरफ जश्न है पर 1400 साल तेरा, हर तरफ जश्न है पर 1400 साल तेरा। मक्तम लाज़िम मौला जी, अपने साबिर पा भी इस तरह करम कर आका, अपने साबिर पा भी इस तरह करम कर आका, देखूं मैं अपनी निगाहों से
जो रोजा तेरा देखूं मैं अपनी निगाहों से, ये भी एक फैज़े करम है मेरे आका तेरा।